वाली बीजेपी रैली के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अमित शाह की रैली के लिए रोहतक के सहकारी मंत्री सैकड़ों की संख्या बाइक सवार तथ्यों का रवाना हुआ, जिसमें पुराने आईटीआई ग्राउंड के सहकारी मंत्री मनीष अग्रवाल जी ने बीजेपी के समर्थकों के साथ इकट्ठा हुए मनीष अग्रवाल जी ने स्वयं बाइक चलाकर वहां पर पहुंचे। जीत रैली के लिए सुरक्षा के तख्त इंतजाम भी किए गए। जट नेताओं ने पार्टियों के अमित शाह के काले झंडे दिखाने की चेतावनी भी दी है। रोहतक के 50 पैरामिलिट्री कंपनी चेतावनी है। अनूप सैनी की रिपोर्ट। अहंकार रैली जीत के अंदर देश भर के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम हरियाणा के युवा कार्यकर्ता को संदेश देने आ रहे हैं। 2019 जो हमारा केंद्र का और प्रदेश का जो जो योजनाएं हमने काम की हैं जन जन तक हम पहुंचाने के लिए आज मोटरसाइकिल रैली है और रोहतक जिले से 8000 यहाँ युवा कार्यकर्ता यहाँ से जा रहा है। युवा रैली को रखा गया युवा एक ताकतवर है, देश और समाज को क्रांति करने वाला युवा है, वो परिवर्तन लाने वाला है। इसलिए परिवर्तन जो यहाँ से अभी तक देश की आजादी के बाद जिस तरह देश और प्रदेश को लूटा उन भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए इसे युवा जागृत हुआ और ये सारी केंद्र प्रदेश की योजना 4 साल की केंद्र की और 3.5 साल की प्रदेश की योजना जन जन तक युवा पहुँचाएगा। विपक्ष का कहना कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकारी समझ कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष आज फेल हो चुका है। आज पूरा विपक्ष बिल्कुल हरियाणा से आउट है।